ते नमः जय माता पार्षद ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है आज मासिक राशि फल की श्रृंखला में धनु राशि के जातकों का जुलाई माह का राशि फल कैसा रहेगा किन किन व्यावहारिक स्थितियों के अनुसार धनु राशि के जातकों को अपने दैनिक कार्यों में परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा किन स्थितियों से राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव स्थिति क्या रहेगी इस विषय में वार्ता करते हैं जुलाई माह में धनु राशि के जातकों के लग्न में लग्न के अधिपति स्वामी गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं इनके साथ में यहां उच्च के केतु अवस्थित हैं माह के प्रारंभ से माह के अंत तक इन्हीं अवस्थाओं में धनु राशि की स्थितियां बनी रहेगी वित्तीय स्थान पर मकर राशि में शनि तथा द्वितीय स्थान के अधिपति भी हैं चतुर्थ स्थान पर मीन राशि में मंगल तथा षष्ठम स्थान पर षष्ठम स्थान के अधिपति शुक्र अवस्थित हैं और यहाँ यह रोग तथा शत्रु स्थितियों पर नियंत्रण भी करेंगे सप्तम स्थान पर मिथुन राशि में मिथुन राशि के अधिपति बुध सूर्य तथा राहु गोचर कर रहे हैं सूर्य 16 जुलाई सन 2020 प्रातः दस बजकर अड़तीस मिनट के पश्चात यहाँ से अष्टम स्थान कर्क कर राशि में गोचर कर जाएंगे तथा 17 जुलाई सन 2020 में बुध मार्गी हो जाएंगे इससे पूर्व की अवस्थाओं में बुध अस्त तथा गति स्थितियों से आचरण करेंगे माह के प्रारंभ में एकादश स्थान पर चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तथा माह के अंत तक ग्रह गोचर की अवस्थाओं में गोचर करते हुए पूरे भय चक्र का आचरण करते हुए चंद्रमा लग्न स्थान पर गोचर करेंगे अर्थात बृहस्पति केतु के साथ गोचर करना प्रारंभ कर देंगे इस सभी गोचर यह दृष्टिकोण से धनु राशि के जातकों का जुलाई माह बहुत उत्तम अवस्थाओं में प्रदर्शित नहीं होता आपको अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय पर राशि के जातकों को नकारात्मक स्थितियों से बचने की आवश्यकता है कुल यश मान संपत्ति सम्मति इन सभी स्थितियों में मन व्यग्र रहेगा अर्थात चिंताशील रहेंगे तो मन की व्यग्रता बढ़ती रहेगी यह चिंता आपकी आपके कोष को लेकर हो सकती है आपके धन को लेकर हो सकती है और जब धन और कोष की स्थितियां सामान्य ना हो कारोबार की स्थितियां सामान्य ना हो तो उस अवस्था में आराम विश्राम तथा सुख भी सुख के समान नहीं प्रतीत होता धनु राशि के जातकों को यहाँ विश्राम की अवस्थाओं आराम की अव स्थितियों का कम ही अनुभव होगा रोग की स्थितियां अनियंत्रित होंगी और यहाँ पर पूर्व से जिन सहयोगियों का पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो रहा था उसमें कुछ अड़चने आनी प्रारंभ हो जाएंगी अविश्वास की स्थितियां प्रकट हो सकती हैं इन स्थितियों के प्रकट होने से पूर्व से जिस प्रकार आप दैनिक स्थितियों को निर्वहन कर रहे थे उनमें विशेष अड़चने आनी प्रारंभ हो जाएंगी इन अड़चनों की निवृत्ति आपके विश्वास पर टीकी है अर्थात यदि इन अड़चनों से आपको बचना है तो आपको विश्वास की स्थितियों को अनुकूल करना होगा और इस समय पर यह आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है यही मन की व्यग्रता है यही चिंता है शत्रु पक्ष आपके विपक्ष में आपको प्रताड़ित तो नहीं कर पा रहा परंतु रह रहकर उनके उनकी स्थितियां उनका क्रियान्वयन उनका आपके प्रति व्यवहार परिवर्तित होते देखकर आप स्वयं ही मन में उस विषय में विचार कर रहे हैं और उस विचार से कुंठित भी हो रहे हैं इन सारी स्थितियों को देखते हुए की व्यवहार अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही यह एक भिन्न विषय आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और यह सारी स्थितियां राशि के जातकों के लिए गहन चिंतन का कारण बन जाती हैं। इस समय पर मुख्य विषय धनुराशि के जातकों का विश्वास की अवस्था है इस विश्वास की अवस्था को आपको समग्र ध्यान देना होगा कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूलतम प्रदर्शित होंगी और इसके साथ साथ 17 जुलाई के पश्चात कार्य क्षेत्र अपनी स्थितियों के अनुसार चलना प्रारंभ कर देगा जो कि आपको सुख लाभ की स्थितियों को प्रदर्शित करेगा यहां इस महाधनु राशि के जातकों को हानि की संभावनाएं न के बराबर प्रदर्शित होती हैं परंतु यदि आप अपने कार्य क्षेत्र अपनी स्थितियों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके संबंधित व्यक्ति अनाधिकृत स्थितियों में आपके धन का अपहरण कर सकते हैं अतः यहाँ राशि के जातकों को मुख्य बिंदुओं की ओर विचार करना चाहिए मूल बिंदुओं के विषय में यदि वार्ता करें तो इस समय पर विश्वास की स्थितियों का अनुकूल बनाना आपके लिए आवश्यक है यही आपके सुख संपत्ति कार्य क्षेत्र के मूल में कार्य करेगा शुभम भवतु भगवान गणपति तथा माता आपका कर